राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दो दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा, आज IIT और आयुष विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह मोहिन शामिल होना हर छात्र मन बाटिन गोल्ड मेडल, राज्यपाल रमेन डेका और CM साय रहीन मौजूद। कोयला और कस्टम मिलिंग घोटाला मामला में हुई सुनवाई, ACB और EOW कोर्ट आरोपी मन के नार्को टेस्ट के आवेदन ला करी खारिज, EOW वाला गाय रही आवेदन। छत्तीसगढ़ में चोर मन के हौसला बुलंद, रायपुर में सेंट्रल IB के ऑफिसर के घर लाखों के ज्वेलरी और कैश के चोरी, भिलाई में घर के ताला तोड़ के जेवरात और नकदी पार। मनेन्द्रगढ़ के खोंगा पानी क्षेत्र में भालू घुमत हुए इस नजर, घर के दरवाजा तोड़ के भालू सामान मल्ला पहुंचावा थे नुकसान। जजवार मरबानी अमरकोट में स्वागत है आपन के, माहौ आपन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत कर एक बड़े खबर के संग, रामपुर जिला के कोतवाली थाना में युवक के कस्टोडियल मौत के मामला में ग्राम पंचायत संतोषी नगर में शनिवार के तीसरे दिन युवक के अंतिम संस्कार करेगी। दो दिन तक जारी बवाल के बाद प्रशासन और जनप्रतिनिधि मंडहार ले मध्यस्थता के बाद ग्रामीण और परिजन आखिरकार मान गिन और चनार नदी के तट में मृतक के अंतिम संस्कार करेंगे। बता दें कि मृतक गुरुचंद मंडल के कोतवाली थाना के बाथरूम में 24 अक्टूबर के फांसी में लटके हुए लाश मिले रही। जिला ले के परिजन मन हत्या के आरोप लगा रहे और 100 लेबर तैयार नहीं रहे। फिर पूर्व जिला पंचायत सदस्य धीरज सिंहदेव और जनपद सदस्य भानु प्रकाश दीक्षित के प्रयास ले ग्रामीण शांत हुई। मामला लले के धीरज सिंहदेव कईस के ग्रामीण मल्ला समझाएगी, जेकर बाद वो मान गिन। वहीं SDM गांव में सांझी के बात कहे है, वही मामला लले के PCC चीफ दीपक बैजा सरकार ऊपर तंज कसे ही और कहीं के बलरामपुर जी से शांत एरिया में ये प्रकार के बड़े घटना शायद सरकार के नाकामी ला बया करते, कांग्रेस ये कर निष्पक्ष जाँच कराही। हर संभव मदद का हम लोग की तरफ से आश्वासन भी दिया गया है और उसमें निष्पक्ष तरीके से जांच करा के और जो भी इसमें दोषी हैं वो कोई भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। पूरी तरह से शांत माहौल है, गमगीन माहौल भी था, लेकिन पूरी तरह से कानून व्यवस्था के तहत ही सभी पूरे ग्रामवासी रहे हैं। पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, चर्चा करेंगे, आखिर मौत कैसे हुई, क्यों हुई, क्या फांसी लगाने से मौत हुई या फिर हत्या कर दी गई। खबर जसपुर जिला के लिए है, जहां विधायक राय मुनि भगत के टिप्पणी ले नाराज मसीही समाज के लोगन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। समाज के लोगन CM साय के गृहग्राम बगिया पहुंच के ज्ञापन सौंपे के मांग में अड़े हैं। ये बीच पुलिस घाटी में प्रदर्शनकारी मतलब रोकी सब भीड़ ला तितर बितर करे, वाटर कैनन के इस्तेमाल करे, जेकर बावजूद गलो प्रदर्शनकारी डटे रहे। जेकर स्थिति ने मुख्य सड़क में वाहन बन के आवागमन बाधित रहे। असल में ईसाई समुदाय की पदयात्रा एक दिन पहली आस्थले बगिया CM कैंप पर निकले रहे। 3 दिवसीय पदयात्रा का रविवार के बगिया CM कैंप कार्यालय में ज्ञापन सौंपे जाना रही, फिर जिला प्रशासन ये रैली ला बगिया कार्यालय ले पहले ही रोक दी। खबर रायपुर ले कोयला और कस्टम मिलिंग घोटाला ले जुड़े बड़े खबर है, आरोपी मन के नार्को टेस्ट कराए के आवेदन ला खारिज कर देंगे। नार्को टेस्ट कराए के EOW हा आवेदन लगा रही। आरोपी सूर्यकांत तिवारी रजनीकांत तिवारी के नार्को टेस्ट पर आवेदन लगाए गए रही से, आरोपी निखिल चंद्राकर रोशन चंद्राकर के नार्को टेस्ट पर आवेदन लगाए गए रही से, तो ACB EOW हा ये आवेदन ला खारिज कर दे। ये बड़े खबर ये भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरा में रही। नवा रायपुर स्थित आयुष विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। ये बेरा वोमन UG और PG के 25 छात्र मल्ला 33 गोल्ड मेडल बाटिन, ये कर संगी राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय घलो ये बेरा मौजूद रही। उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे ये देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज दिए गए स्वर्ण पदकों में से अधिकांश पदक बेटियों को मिले हैं। आज विश्वविद्यालय के 33 होनहार छात्रों को स्वर्ण पदक और 6 होनहार छात्रों को सुपर स्पेशलिटी की उपाधि में अलंकृत किया है। मैं उन सभी छात्रों को बहुत बहुत
बधाई देता हूं। दौरा के दूसरे दिन राष्ट्रपति मुर्मू आईआईटी भिलाई के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। ये मेरा 8 छात्र मिला मेडल दिन पीएचडी होल्डर डिग्री धारे मल्ल उपाधि देगी। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल रमेश डेका और सीएम विष्णु देसाई घलो मौजूद। 2023 इज अवार्डेड टू मिस्टर मधुर भट्टड। स्वतंत्र भारत की यात्रा की शुरुआत के समय से ही देश के आधुनिक विकास में भिलाई की प्रभावी भूमिका रही है। ये परिसर अत्याधुनिक शिक्षण और अनुसंधान सुविधाओं के साथ विकसित किया गया है तथा इसके फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और निर्माण में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया गया है। आज के इस अवसर पर वर्ष 2023 और वर्ष 2024 बैच के जो विद्यार्थी अपनी दीक्षा पूरी कर रहे हैं उन सभी को, उनके माता पिता को और उनके प्राध्यापकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बड़े खबर है रायपुर ले उपचुनाव ले के कांग्रेस के मंथन। दक्षिण विधानसभा उपचुनाव ले के कांग्रेस के बैठक खत्म हो गए। बूथ मैनेजमेंट पर कांग्रेस का रणनीति तय हुए। पूर्व मंत्री रवीन चौबे आई ये कर जानकारी दे। विधायक बड़े नेता प्रचार करी आकाश ला जिताए बाद पूरा ताकत कांग्रेस झोंकी। एक एक बूथ मां बड़े नेता बन के प्रबंधन हुई। बूथ मैनेजमेंट हमको किस तरीके से करना है इसको लेकर के एक रणनीति तैयार किया गया, क्योंकि हमने आकाश को अपना प्रत्याशी बनाया है। हमारा जो पूरे स्टेट का यूथ लीडरशिप है हम सबको अपनी अपनी जगह पे जवाबदारी दे रहे हैं। खबर बालोद जिला के डोंडी ब्लॉक ले जहाँ के सैकड़ों किसान मामाया क्षेत्र के माइंस ले बाहर आने वाला लाल पानी ले परेशान है। ये लाल पानी ले किसान मन के कई एकड़ फसल प्रभावित हुआ थे। मामला लले के कुमरकट्टा कोपे डेरा इमलेपारा के प्रभावित किसान एक महीना ले महामाया क्षेत्र में धरना पर बैठे। मामला लले के क्षेत्र के सांसद किसान मन के ये समस्या के समाधान निकाले के बात कहते। वहीं दूसरा दहत जिला प्रशासन भिलाई इस्पात संयंत्र के माइंस प्रबंधन ले बैठक कर प्रभावित किसान मल्ला उचित मुआवजा दे के बात कहते। फिर किसान प्रभावित परिवार के एक सदस्य ला माइंस पर काम दे के मांग लाल पानी की जो प्रभावित किसानों की जो समस्या है पिछले काफ़ी दिनों से है उस पर भी चर्चा करके और क्या अच्छा से अच्छा हो सकता है किसानों के हित में ऐसा हम प्रयास करेंगे। हमने स्थानीय स्तर पर भी एक संयुक्त टीम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की संयुक्त टीम बनाई हुई है। उस टीम के परीक्षण रिपोर्ट आने के पश्चात अगर वास्तव में किसानों को नुकसान हो रही है तो नुकसान की भरपाई बीएसपी प्रबंधन द्वारा की जाएगी जिसकी समिति आज बनी भी। रायगढ़ शहर में गरीब परिवार बन पर आवास निर्माण के योजना 5 साल बाद गलो धरातल में नहीं उतर पाए। योजना के तहत 10 करोड़ रुपया खर्चा हो चुके फिर आवास अब तक पूरा नहीं हो पाए। ये थी जौन जगह के चयन आवास निर्माण पर करे गए रही वहां अप्रोच रोड तक नहीं है। ऐसे में आवास निर्माण लेके सवाल उठ रहे। असल में रायगढ़ नगर निगम गरीब परिवार मन पर आवास निर्माण की योजना बना रही। एकर तहत कॉलोनी मन में EWS के तहत खाली पड़े जमीन ऊपर 250 आवास के निर्माण करे जाना रहे। नगर निगम दीनदयालपुरम और सूर्य विहार का इलाका में आवास मन के निर्माण गला शुरू कर दे रहे। इस पर निर्माण पूरा होए के पहले ही राशि खत्म हो गई। एजेंसी हाथ खड़े कर दी। मामला लले के बीजेपी शहर सरकार ऊपर लापरवाही के आरोप लगा दे। पूर्ववर्ती सरकार ने अंधाधुंध कॉलोनीकरण किया जो अवैध है, रेरा से अप्रूव नहीं है, किसी प्रकार से अप्रूव नहीं है। रायगढ़ की क्या बात करेंगे, पूरे प्रदेश की बात करें, जो भी शहर सरकार है अभी कांग्रेस यहाँ पर सरकार है उसने भी किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। आने वाले समय में निश्चित रूप से आगामी जो नगरीय निकाय चुनाव के बाद में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख मुद्दा ये रहेगा कि उन EWS मकानों को वंचित गरीबों को उनका अधिकार मिले और वो सुव्यवस्थित रूप से उसको कराने का प्रयास करें। पूर्वा में जब इस आवास का निर्माण कर रहे थे उस समय वहाँ अप्रोच रोड नहीं होने के कारण भी आम जनता उस आवास में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, लेकिन अभी अप्रोच रोड के लिए भी स्वीकृति मिल गई है। बहुत जल्द उस अप्रोच रोड का भी निर्माण की जाएगी, प्रक्रियाधीन है। आने वाला समय में आम जनता की सुविधा को देखते हुए, मांगों को देखते हुए कार्य की जाएगी और आवंटित भी की जाएगी। बस्तर सामान्य वन मंडल में बड़बेरा बाद बाघ की उपस्थिति दर्ज हुए है।
करपावन ले लगे जंगल में बाघ अक्टूबर महीना के पहले सप्ताह ले पालतू मवेशी मल्ला अपन शिकार बना थे। वन विभाग के ट्रैप कैमरा ले एकर पुष्टि हुई। एकर बाद इलाका में लगभग 25 गांव में अलर्ट जारी कर दिए गए। गांव गांव में बुनियादी कराए जाते हैं और लोगन ला सावधानी पूर्वक जंगल में जाके सलाह दे जाते हैं। ये माने जाते हैं कि सीता नदी क्षेत्र में ले ये बाघ बस्तर तक पहुंचे। हालांकि वन विभाग के पूरा मामला में कुछ कहले बाचा थे। उन गाँव में जो है लगातार उनकी बुनियादी करके जनता को आगाह कर रहे हैं ताकि वे जो है जंगलों में अकेले नहीं जाएं और कम ही जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसको किसी तरह से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। वीडियो भी वायरल हुआ है, वो पूरी तरह से फेक न्यूज है। छत्तीसगढ़ में चोर मन के हौसला बुलंद है। रायपुर और भिलाई में चोरी के वारदात हुए। रायपुर सेंट्रल आईबी के ऑफिसर के घर में चोरी हुए। 4.5 लाख के ज्वेलरी समेत 50,000 के नगद यहां ले चोरमन चुरा ले। आईबी अफसर परिवार समेत दिल्ली निवास में गए रही। वालफोर्ड सिटी में आईबी अफसर के घर है। मुजगन थाना क्षेत्र की यह मामला है। ये तो भिलाई में घर के दरवाजे के ताला तोड़ के लाखों रुपया के चोरी हो गए। जेवरात को कैश लेके फरार हुए। पड़ोसी महिला के शोर मचाए मां दोनों चोर भागे। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी नजर आते हैं। भिलाई नगर थाना क्षेत्र के मामला है। और ये मेरा एक बड़े खबर है। रायपुर ले आबकारी घोटाला मामला मां गिरफ्तारी हुए। डुप्लीकेट होलोग्राम नोएडा ले रायपुर भेजने वाला आरोपी प्लस के अत्याचारी प्रिस्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म के अकाउंटेंट सुनील दत्त गिरफ्तार हुए। ACB EOWH गिरफ्तार करें। तो ये बड़े खबर है। रायपुर ले आबकारी घोटाला मामला में एक और गिरफ्तारी। डुप्लीकेट होलोग्राम नोएडा ले रायपुर भेजने वाला आरोपी ला गिरफ्तार करेंगे। प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स के अकाउंटेंट सुनील दत्तला गिरफ्तार करेंगे। ACB EOWH गिरफ्तार करेगा।